ग्रीन जोन का तो फैसला जरा है सरकार ने करना, बट हाँ सिर्फ ये जरूर साढ़े वास्ते खुशी की गल है कि अज की डेट साढ़े कोई भी पॉजिटिव केस जो है बनारस में। अज बनारस जिले वास्ते बड़ी राहत की खबर यह है कि साडा मरीज जरा कि पटियाला मेडिकल कॉलेज के ट्रीटमेंट चल रहा शिखर जी का, वह अज अपने दो टेस्ट नैगेटिव आने तो बाद बनाले वापस आ गए। अच्छी जिला प्रशासन के नाल मिल के वेलकम भी किया, जिस तरीके कोरोना वायरस के केसिस सारे भारत के सारे पंजाब लगातार बढ़ रहे हैं और बल्कि दुनिया लैवल कोरोना के केसिस बढ़ रहे हैं। सानू बहुत ज़्यादा जरूरत है कि असं अपनी पूरी एहतियात जी है जी कि पिछले एक महीने तो बढ़ रहे हैं उस एहतियात के किसी भी तरह की कोई कमी ना कॉन्टैक्ट्स वगैरह में मिला के देखे तो अभी 89 सैंपल्स जो है अभी उनका टेस्ट करने भेजे हैं, जो भेजे हैं 73 की भी रिपोर्ट जी है वो साढ़े को आ चुकी है और दो पॉजिटिव आए तो बाकी सारे जो है। कोरोना वायरस को लेकर बरनाला विच राहत भरी खबर सामने आई है। हुण बरनाला विच कोई भी पेशेंट पॉजिटिव नहीं है। बरनाला विच हुण तक दो पॉजिटिव मामले सामने आए सी, जिन्हां विचों एक महिला की तो मौत हो गई ते एक महिला इलाज दौरान स्वस्थ होके अपने घर वापस जा चुकी है। बरनाला सिविल प्रशासन अते सेहत विभाग ने फुलां ते गुलदस्तियां नाल उस महिला का वेलकम किया अते इस भयंकर बीमारी के खिलाफ डटे रहने के लिए वधाई भी दी। अज बनारस जिले वास्ते बड़ी राहत की खबर यह है कि साडा मरीज जिहड़ा कि पटियाला मेडिकल कॉलेज विखे ट्रीटमेंट चल रहा सीगा जी दा, वह अज अपने दो टेस्ट नैगेटिव आने तो बाद बरनाले वापस आ गई है और बिल्कुल ठीक ठाक है। अज असी जिला प्रशासन के नाल मिल के वेलकम भी किया, लेकिन ये एक मरीज जिहड़ा है ये ठीक होने का मतलब ये नहीं है कि असं साडे बरनाले जिले के उपर जो खतरा जिहड़ा है बिल्कुल खत्म हो गया। जिस तरीके दे नाल कोरोना वायरस के केसिस सारे भारत के सारे पंजाब के लगातार बढ़ रहे हैं और बल्कि दुनिया लैवल इस कोरोना के केसिस बढ़ रहे हैं, सानू बहुत ज़्यादा जरूरत है कि असं अपनी पूरी एहतियात जी है जी कि अभी पिछले एक महीने तो बरत रहे हैं उस एहतियात के किसी भी तरह की कोई कमी ना आने दी। जिमें कि साडे बनारस निवासियों ने पिछले एक महीने दौरान बहुत ज़्यादा संजम का प्रगटावा किया, बहुत ज़्यादा सहयोग किया प्रशासन के नाल, उन्होंने मैं एक बार फिर तो अपील करूँगा कि जिस तरीके तुम घर बैठे रहे हो बाहर आने दे बहुत ही ज़्यादा भीड़ नहीं की, उस तरह ना सानू हुण भी जे असी अपना इस तरीके का संजम जिहड़ा हैगा उहदे वरता करांगे तो मैनूं उम्मीद है कि बरनाला जिला जिहड़ा हैगा वह कोरोना वायरस के केसिस तो बचा रहेगा। हुण तक असी कॉन्टैक्ट केसिस जिहड़े साडे पॉजिटिव केस आए हैं या सस्पैक्टेड केसिस उन्होंने कॉन्टैक्ट्स वगैरह में मिला के देखे तो असी 89 सैंपल्स जी है असं उनका टेस्ट करने भेजते हैं, जब भेजे 75 की रिपोर्ट जी है वो साढ़े को आ चुकी है और दो पॉजिटिव आए तो बाकी सारे जो है नैगेटिव आए हैं। सर अगर आने वाले समय के प्रबंधन की गल करिए किस तरीके अरेंजमेंट सारे कर किए गए हैं इस लैके सरकार दी हिदायतों के अनुसार आइसोलेशन सेंटर कैंसर कोविड केयर सेंटर्स और क्वारंटीन सेंटर वो सारे असं जोड़े है बिल्कुल तैयार रखे हुए हैं अपने ताकि कल नूं जे किसी भी कारण करे या किसी भी टाइम पर जेकर कोरोना के केसिस की गिनती के बढ़ती है तो असं उस स्थिति निपटने लिए बिल्कुल तैयार। ग्रीन जोन का तो फैसला जोड़ा है वह सरकार ने करना है, बट हाँ सिर्फ ये जरूर साढ़े वास्ते खुशी की गल है कि अज की डेट साढ़े कोई भी पॉजिटिव केस जो है बरनाला जिले के नहीं है। जिक्रयोग है कि जिला बरनाला हुण तक सस्पैक्टेड केस 99 पाए गए थे, जिन्हों में 75 की रिपोर्ट नैगेटिव आई और बाकियों की रिपोर्ट आना हाले फिलहाल बाकी है। फिलहाल सिविल सर्जन ने बरनाला कोरोना विच जीरो केस दसते हुए ग्रीन जोन विच शामिल किया। बरनाला तो विनीत शर्मा की रिपोर्ट, चैनल पंजाबी। साडा हर एक प्रोग्राम देखण ते साडे नाल जुड़न लई सबस्क्राइब करो चैनल पंजाबी ते नोटिफिकेशन लई बैल आइकन वाले बटन ते क्लिक करो।